हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, लास्ट की दो क्लासेस में हमने क्या सीखा था? पहली क्लास में हमने बेसिक जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो चीज़ें सीखी, और लास्ट क्लास में हमने कंपोजिट फंक्शन जो थे, स्पेशली एल्जेब्रिक फंक्शंस हमने किए थे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथम फंक्शंस हमने नहीं किए थे, सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शंस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उनसे रिलेटेड हमने बात की थी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, इट मे बी ए ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन हो सकता है और मे बी ए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो देखो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ फॉर्मुलेज होते हैं जो हम आई थिंक फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, तो अगर मुझे मिलता है जैसे कि वाई इज इक्वल टू, मैं कुछ फॉर्मुलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वो बता देता हूँ कि फाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, देन हमने सीखा था कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। वी ऑल न्यू दैट दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, एंड द सेकेंड वन, अगर मुझे मिलता है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स और मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना हो, मीन्स मुझे निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस, और वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके आगे सी ओ लगता है, उन सभी का जो मेरा डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, साइन कोस, नेक्स्ट लेते हैं मान लो टेंजेंट एक्स, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कि लेट बी, अगर मैं बात करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, टेंजेंट एक्स, सॉरी, अगर मुझे टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो सिंपली दैट इज क्या होता है? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब मैंने देखा टी के आगे, टेंजेंट के आगे सी ओ नहीं होता तो मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन इज लेट बी डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट कॉट का लेते हैं, तो कॉट एक्स। अब पहली चीज़ तो सी ओ लगा हुआ है तो माइनस का साइन आएगा, पहली चीज़ तो ये, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज योर कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स। ठीक है, टेंजेंट का क्या होता है? कॉस का उल्टा यानी सेक होता है, और कॉट का क्या होता है? कॉसेक होता है, और दोनों के साथ क्या लगता है? स्क्वेयर लगता है। ठीक है, चार हो गए, बाकी दो बचे कौन कौन से? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे सीकेंट एक्स निकालना हो, ठीक है, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? अब सीकेंट के कौन ही है तो मतलब पॉजिटिव आएगा, और इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, अगर मैं बात करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये क्या होता है? सी ओ लग गया तो माइनस आएगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, दैट इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो 11th में पढ़े थे, यहाँ पे भी हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं प्लस टू की क्लासेज में भी। ठीक है, तो दिज आर योर बेसिक फॉर्मूलाज जिन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब क्या मुझे ऐसे डायरेक्टली तो नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस? ठीक है, मुझे कुछ उनमें क्या मिलेगा? कंपोजिट फंक्शन टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यानी सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है उनकी बात करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में चेन रूल जो पढ़ा था उसका यूज़ भी यहाँ होगा। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर वन लिया, कि ये अंडरस्टूड रखना कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये है कि सभी क्वेश्चंस के लिए मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे सबको क्या करना है? जितने भी क्वेश्चंस मैं लूँगा जब तक आपको बोला ना जाए तब तक क्या करना है कि वो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट माना जाएगा। तो लेट बी फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मान लो मुझे गिवन है कॉस फाइव एक्स, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट बी मैं मान लेता हूँ वाई इज इक्वल टू दिस, तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, मीन्स वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और वी कैन से डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्या है यहाँ पे? कॉस फाइव एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि भाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज योर माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ एक्स की बजाय मेरे पास क्या है? फाइव एक्स है। एक्स की बजाय क्या है? फाइव एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें? ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में चेन रूल पढ़ा था और उसमें मैंने एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको। ठीक है, तो ये उनमें सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। तो फर्स्ट मेथड क्या था कि हम इस 5x को, जहाँ पे मेरा x होना चाहिए, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। लेट बी मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि 5x है, इस 5x को मैंने u ले लिया। तो अगर ये 5x है तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज योर कॉस u। ठीक है, तो अब चैन रूल से क्या करना है? पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, यानी मैं क्या निकालूंगा यहाँ से? मैं निकालूंगा डी वाई बाई डी यू। क्या हो जाएगा भाई? कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, वहाँ एक्स होता है तो एक्स आता है, यू है तो यू आएगा, माइनस साइन यू। ठीक है,
सेम एज इट इज जो मैंने माना था u इज इक्वल टू 5x, यहाँ से मैं निकालूंगा डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, यानी इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 5x का डिफ्रेंशिएशन करो क्या मिलेगा, दैट इज़ 5। x का डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, x की पावर क्या है 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 आगे, x रेज टू पावर 1 माइनस 1 मीन्स 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो क्या बचा 1, तो इट मीन्स अगर मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है तो उसके आगे जो कॉफिशियंट है दैट इज योर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए dy वाई बाई डी एक्स, मुझे चाहिए dy वाई बाई डी एक्स, कैसे निकालोगे, dy वाई बाई डी यू इन टू मैं क्या कर दूंगा du यू डिवाइड बाई डी एक्स, कैसे du से du कैंसिल आउट, क्या मिलेगा मुझे dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स मैंने क्या निकाला, dy वाई बाई डी एक्स मैंने निकाला माइनस का साइन u इन टू du यू बाई डी एक्स क्या निकाला, दैट इज 5, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, दिस बिकम माइनस 5 साइन, और इस u की जगह किसकी वैल्यू पुट करूँगा जो मैंने ज्यूम किया था इनिशियली, दैट इज 5x, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये मेरा मेथड है, या फिर दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस को करने का, दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, देखो दूसरा मेथड क्या था, इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल टू मेरे पास है cos 5x, तो लेट इट इज y इज इक्वल टू cos 5x। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, कैसे, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन dy वाई बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। ठीक है, तो ट्रीट करोगे ये 5x मेरा x है, मैंने क्या ज्यूम किया इसको, x या u या t कुछ भी ज्यूम कर लो, ऐसे ज्यूम करना है, देन अब क्या करोगे, इस cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज माइनस साइन, और इसके अंदर जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दिया मैंने, लेट बी इट इज 5x, और फिर क्या करना है, इसके अंदर का जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मीन्स dy वाई बाई डी एक्स ऑफ 5x। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई दिस, यू गेट माइनस साइन 5x, अब इस 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वी ऑल न्यू दैट दिस इज इनटू 5, तो इन डिफरेंशिएशन जो भी होगा अंदर वाले फंक्शन का वो इनटू में चलेगा, इस 5 को आगे ले आओ दैट बिकम माइनस का 5 साइन 5x, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस, आई थिंक दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ठीक है आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं हम इस चीज़ के लिए, कि क्या कर सकते हैं, कि मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, कि मतलब y इज इक्वल टू एनी ट्रिग्नोमेट्रिक TC, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ fx, ऑफ एंगल fx मुझे गिवन है। ठीक है, जैसे ये गिवन है कि मान लो y इज इक्वल टू, मैंने क्या माना कि साइन ऑफ, इसके अंदर fx कुछ भी है, कोई भी फंक्शन मुझे गिवन है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले dy वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन ऑफ fx निकालते हैं। ठीक है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर cos fx मेरा एज इट इज रहेगा, एंड देन dy वाई बाई डी एक्स ऑफ एट fx, जो fx है उसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक उसका डिफरेंशिएशन जो होता है एज इट इज लिख दो, और जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इन टू में करके कर दो। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, या फिर जिसको चैन रूल समझ में आ गया था लास्ट क्लास में उसको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट मी सॉरी, मुझे गिवन है cos x इज टू पावर 4, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, मीन्स dy वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड, सिंपली अब सबसे बाहर क्या है, अब मेरे पास है cos x रेज टू पावर 4, cos x रेज टू पावर 4। ठीक है, अगर यहीं पे मुझे ये फंक्शन ऐसे मिलता, दैट इज़ योर cos स्क्वायर x, ठीक है, मान लो इस, चलो रेज टू पावर 4 ही कर लेता हूँ, cos रेज टू पावर 4x और cos x रेज टू पावर 4, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है, ये cos और x रेज टू पावर 4 ये क्या है, ये पूरा एज ए थीटा है मेरा। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब क्या है, दिस इज योर cos x और होल रेज टू पावर क्या है 4 है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसकी बात मैं बताता हूँ आपको। अब cos x रेज टू पावर 4, अब चेन रूल क्या बोलता है, सबसे बाहर क्या है मेरा cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर माइनस का साइन, और मैंने बोला जो fx अंदर फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, मीन्स x रेज टू पावर 4 एज इट इज इनटू dy बाय dx ऑफ किसका, जो अंदर फंक्शन है, cos का हो चुका है, इसके अंदर क्या बचा x रेज टू पावर 4, तो x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस x, सॉरी माइनस साइन x इज टू पावर 4 मेरा एज इट इज इनटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 4 आगे x इज टू पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 दैट इज 3, दिस बी लाइक दैट, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको आगे लिख देते हैं, तो माइनस 4x क्यूब इनटू क्या बचेगा मेरे पास, साइन x इज टू पावर 4, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे, इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे गिवन होते तो मैं क्या करता, ठीक है, अगेन दिस इज इक्वल टू y, तो मुझे निकालना है dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ cos
रेज टू पावर 4x, और आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। बट कन्फ्यूज मत होना कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एंगल की पावर 4 है और ये इस पूरे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 4 है। तो यहाँ पे सबसे बाहर क्या है, मैंने अगर ध्यान से देखा तो सबसे पहले मेरी आती है बाहर पावर, तो इस पावर का डिफ्रेंशिएशन करो, तो पावर 4 आगे आ जाएगी, कॉस रेज टू पावर क्या हो जाएगी, 4 - 1 दैट इज 3x इन टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मैंने किसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, मैंने सिर्फ किया इस पावर का, इस पावर को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। ये मैं लिखा 4 cos³x मेरा है, दैट इज इन टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, याद रखना जिसके आगे को उसके आगे नेगेटिव, तो माइनस आगे लिख देता हूँ 4 sin x इन टू cos³x, दैट इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। आई थिंक ध्यान रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो कि मान लो मुझे मिलता है y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है रूट ऑफ साइन √x, ठीक है। अब देखो एंगल पे भी पावर है, उस पूरे फंक्शन पे भी पावर है, यानी इसी फंक्शन को मैं रीडिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, साइन इस x की पावर रूट है, मतलब x रेज टू पावर 1/2 एंड होल रेज टू पावर 1/2, क्यों, बिकॉज दिस रूट, ठीक है। इसी को 1/2 को आप यहाँ भी लिख सकते हो, यानी इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ साइन रेज टू पावर 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2, दिस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, बस ऐसे लिखोगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगी बस, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन, इट मीन्स y क्या है आपका, यहाँ पे मेरा y है dy बाई dx ऑफ साइन x रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर 1/2। तो सबसे पहले इस पावर का डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगा, तो 1/2 मेरा आगे, अंदर क्या बचा, साइन एक्स रेज टू पावर 1/2, इसको मैंने एज एन x ट्रीट किया, x की पावर ये, तो पावर 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो इस पावर का काम अब हो गया खत्म, क्या हो गया, इस पावर का काम खत्म, बाकी क्या बचा, ये वाला, अब ये काटना नहीं है भैया आपको फेयर में, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो अंदर फंक्शन बचा उसका डिफ्रेंशिएशन, मीन्स dy बाई dx ऑफ साइन x रेज टू पावर 1/2, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद आगे बढ़ते हैं, ये 1/2 एज इट इज इन टू साइन एक्स रेज टू पावर क्या हो गया 1/2, 1/2 माइनस 1 दैट इज अगेन -1/2 इन टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 1/2, इट मीन्स नाउ इट इज योर एंगल थीटा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर कॉस थीटा, थीटा क्या है एक्स रेज टू पावर 1/2। अब इस साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, किसका हो गया, साइन का हो गया, अंदर क्या बचा ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बाकी है भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1/2 एज इट इज, अभी देखो पावर माइनस है तो इसको नीचे अगर मैं ले आऊँ, यानी इसको मैं लिख दूँ 1 / sin एक्स रेज टू पावर 1/2 होल रेज टू पावर क्या हो जाएगी 1/2, ऊपर से नीचे आएगी तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, इन टू कॉस एक्स रेज टू पावर 1/2 मेरा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स रेज टू पावर 1/2 का क्या होता है, पावर 1/2 आगे, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि 1/2 √x हो जाएगा इसका, क्योंकि वन ऊपर पावर क्या होगी -1/2, जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया वैसे ही पावर इसकी सॉल्व होनी है। ये मैंने बताया था कि आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो आपके कुछ स्टेप्स बच जाएंगे, करना चाहते हो फुल प्रोसेस से कर लो कि 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर क्या होगा 1/2 - 1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, 1/2 का मतलब 1/2, अब नीचे आएगा तो एक्स रेज टू पावर 1/2, और एक्स रेज टू पावर 1/2 का मतलब है √x, तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप जितना इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो इस पावर का होने के बाद अंदर बचा x, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत है मुझे नहीं होती है, ठीक है। तो जस्ट इसको मैं अब सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है भाई। तो अब ऊपर क्या है मेरे पास, ऊपर मेरे पास है सिर्फ cos x रेज टू पावर 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x रेज टू पावर 1/2 का मतलब √x, ये सुनो बिल्कुल लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय 2, ये है 2, ये है नीचे 2 * 4 हो जाएगा, ये मेरा √x मैंने एज इट इज लिख दिया, और देखो इसकी पावर 1/2 है तो इसको भी मैं रूट लिख सकता हूँ, रूट ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 1/2 मतलब √x, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यस, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, तो लेट मी, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो मुझे गिवन है cos 1 - x² होल इज टू पावर 2, मान लो ये y इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y, क्या है मेरा, दैट इज योर
कॉस 1 - x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पावर पूरे के ऊपर है कि सिर्फ कॉस के ऊपर है, सिर्फ एंगल के ऊपर है, सिर्फ एंगल के ऊपर है। इसका मतलब सबसे बाहर क्या है, कॉस। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, वी ऑल नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, और अंदर जो है उसको एक्स की तरह ट्रीट करना है, तो इसको एज इट इज लिख दो 1 - x² का होल स्क्वायर। अब बाकी अंदर जो कॉस का हो गया, जो अंदर बचा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx ऑफ 1 - x² का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन 1 - x² का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसको मैं एज ए टी ट्रीट करूँगा, तो ये स्क्वायर है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन तो 2 आ गई, ये बचेगा 1 - x² 2 - 1 दैट इज़ पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं होती आई थिंक। ठीक है, अब पावर का हो गया तो उसके अंदर क्या बचा, ये, तो इसका डिफरेंशिएशन मीन्स dy/dx ऑफ 1 - x². जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी, ये बार बार लिखूंगा भी नहीं मैं कि dy/dx ऑफ दिस, हम कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, मींस वन लाइनर बना देंगे हम इसी क्वेश्चन को, बट अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, दैट इज -2 × इसको भी आगे लिख देते हैं 1 - x² × माइनस मैंने पहले लिख दिया, तो साइन 1 - x² का होल स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ दिस, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x² का क्या होगा, तो माइनस एज इट इज दैट बिकम 2x। ठीक है, तो 0 - 2x, यू गेट -2x - 2x इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस, 2 × 2 = 4, एक्स मेरा एज इट इज, बाकी एज इट इज लिख दो, दैट इज योर आंसर। दैट्स योर आंसर, हो जाएगा, आई थिंक सिंपल है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखते हैं, लेट बी, अगर मुझे मान लो ऐसे मिलता है कुछ कि साइन ब्रैकेट, यानी ये मेरा पूरा एंगल इसका गिवन है, दैट इज योर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस फंक्शन बी लाइक दैट, एंड वी हैव टू फाइंड द dy/dx ऑफ दिस, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, तो सॉल्व करके देखते हैं कैसे करोगे। अब देखा मैंने कि सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, तो वो साइन है, ये बाकी इसका एंगल है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो मैंने लिख दिया कॉस, और इसको एज ए एक्स ट्रीट करेंगे, तो ये मतलब एज इट इज मेरा आ जाएगा, एज इट इज, एज इट इज योर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, तो पहला काम क्या था मेरा, मैंने इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, वो काम हो गया, इसको छोड़ देते हैं, अंदर जो बचा उसको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स dy/dx ऑफ रूट ऑफ, रूट को मैं लिखता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होलेस्ट पावर 1/2 लिखता हूँ, येस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने देखा कि ये वाला फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो इसको तो मैं एज इट इज ही लिखता रहूँगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन देखो, सबसे बाहर क्या चीज़ है, सबसे बाहर है पावर 1/2, तो मैंने इस पावर को आगे लिया। ठीक है, और देखो 1/2 का मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली भी कर सकते हो 1/2, और नीचे क्या रूट में लिख दो ये सारी टर्म एज इट इज, इट मीन्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मुझे मिलता है, ठीक है, कि x^2 1/2 का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होता है dy/dx, अगर आप इसका निकालोगे तो आपको क्या मिलता है dy/dx ऑफ x^1/2, यानी 1/2 पावर आगे, x^2 क्या होगा 1 - 1/2 - 1, और 1/2 - 1 क्या होता है, दैट इज x^-1/2, इसको नीचे लेके आते हैं, तो 1/2 और x^1/2, इस मीन्स मैं लिख सकता हूँ 1/√x, यानी जो भी टर्म हो। ठीक है, तो अब मैं जब 1/2 का कर रहा हूँ, तो इसको एज एन x ही कंसीडर कर रहा हूँ ना, इट मीन्स इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, दैट इज 2√sin x + cos x। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कुछ, जिनको आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे टाइम को वेस्ट करते रहोगे। इट मीन्स अभी तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, तो आप इनको अगर वन लाइनर नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा वो। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली करना सीखो। तो अब मैंने इस पावर का कर दिया, पावर का करने के बाद मेरे पास ये फंक्शन बचता है, तो इसको लिखते हैं dy/dx ऑफ किसका बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगेन डिफरेंशिएट दिस, तो बाकी चीज़ों को मैं एज इट इज लिखता हूँ कि मेरा कॉस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब इससे इसको कैंसिल आउट मत कर देना, दिस इज द एंगल ऑफ कॉस, ये अलग टर्म है, और होल डिवाइड बाई, इसको आप नीचे लिखना चाहो तो लीजिए 2√sin x + cos x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब मुझे पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, मतलब इसका अलग से करना है, इसका अलग से करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डेट इज कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है,
इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो दैट्स इट, हो गया काम खत्म। तो ये आपका डिफरेंस सॉल्व है, दैट इज योर आंसर, हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट मी, चलो एक और ले लेते हैं कि अगर मुझे गिवन है साइन रूट ऑफ 1 + x², ठीक है, होल रूट भी आपको गिवन है, y इज इक्वल टू दिस एंड वी हैव डिफरेंशिएट दिस, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड dy / dx ऑफ दिस, ठीक है, मीन्स dy / dx ऑफ दिस। इसी फंक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ, रूट को मैं लिखता हूँ पावर 1/2, दिस इज साइन, ठीक है, अंदर क्या मेरे पास 1 + x² इसकी पावर में 1/2 लिख देता हूँ मैं, और होल पावर भी 1/2 आ जाएगी, किस वजह से, इस रूट की वजह से पूरे की पावर 1/2, इस रूट की वजह से सिर्फ इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट मीन्स साइन 1 + x² सॉरी होल इज पावर 1/2 एंड होल इज पावर 1/2 इस तरह। तो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे बाहर क्या है, ये पावर, इस पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, इस पावर 1/2 को मैं आगे लेके आया, और सिंपली देखो हम सीख चुके हैं लास्ट में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है, पावर अगर 1/2 तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 इनटू दिस फंक्शन एज इट इज, मीन्स दिस इज साइन 1 + x² की पावर 1/2 का होल रूट, ठीक है। वी ऑल न्यू दैट रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ एक्स की तरह क्या वर्क कर रहा है, ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इस एक्स का मैंने रूट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो अब इस पावर का डिफरेंशिएशन मेरा हो गया, अंदर क्या बचा, ये वाला फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करते थे इनटू dy / dx ऑफ, क्या बचा मेरे पास, साइन 1 + x² की पावर 1/2, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो इसका डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, तो इसको मैं 2√sin 1 + x² की पावर 1/2 है, तो इसको मैं एज इट इज रूट ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनल जो इनिशियल क्वेश्चन था इसी फॉर्म में था, तो मैंने इसको इसी फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो सबसे बाहर क्या है, साइन, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर कॉस, और अंदर जो फंक्शन है एज इट इज लिख दिया, मीन्स 1 + x² raised to power 1/2, ठीक है। अब इस साइन का हो चुका है, अंदर क्या बचा, ये तो dy / dx ऑफ, क्या बचा, 1 + x² की पावर 1/2, इस 1/2 को मत बोल देना, 1 + x² मत लिख देना डायरेक्टली, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होते जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो अब इसको मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, मीन्स दिस बिकम योर कॉस, और इसकी पावर 1/2 मतलब रूट ऑफ 1 + x² मैं इसको लिख देता हूँ, होल डिवाइड बाय ट्वाइस रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 + x², ठीक है, इतना काम मैंने लिख कर दिया। जो बाकी बचा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 + x² raised to power 1/2, अगेन द सेम फॉर्मूला इज यूज, तो इट मीन दिस बिकम 1/2 रूट ऑफ एक्स क्या है मेरा, अब ये इट मीन्स 1 + x², ठीक है। अब इस पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो dy / dx ऑफ किसका निकालना है मुझे, 1 + x² का, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज लिखता हूँ, ऊपर क्या है मेरे पास, दैट इज योर कॉस इंटू रूट ऑफ 1 + x² होल डिवाइड बाय ट्वाइस रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 + x², ठीक है, इंटू मेरे पास क्या है, 1/2 रूट ऑफ 1 + x². नाउ डिफरेंशिएट दिस, करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, प्लस x² का क्या होता है, दैट इज योर 2x, ठीक है, 0 + 2x, दिस अल्टीमेटली यू गिव 2x, दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल आउट, जो बचा उसको लिख देते हैं। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, ऊपर मेज पर फाइनली बचा है x है, तो x इंटू कॉस रूट ऑफ 1 + x², ठीक है, मीन्स ये और ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया। अब नीचे क्या बचा मेरे पास, नीचे बचा मेरे पास 2 इंटू दिस, इट मीन्स 2 इंटू अलजेब्रिक फंक्शन, इसको मैंने पहले लिख दिया, इंटू रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 1 + x², दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो रहे हैं, बट आई थिंक कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है, देखो कि मान लो मुझे क्वेश्चन मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्स इज टू पावर फोर, डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको पहले बोला कि सभी क्वेश्चन को अभी हमें वैसे ही करना है, कुछ अलग होगा तो मैं आपको बताऊँगा। प्लस कॉस रेज टू पावर फोर एक्स प्लस टेंजेंट रेज टू पावर टेंजेंट एक्स रेज टू पावर फोर, सॉरी। ठीक है, नाउ वी हैव डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। सो अगेन वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट, वी हैव टू फाइंड डिफ्रेंशिएट दिस। इट मीन्स मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस होल फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर फोर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फोर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस रेज टू पावर फोर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स रेज टू पावर फोर। ठीक है भाई, अब ये अलग अलग क्वेश्चन बन के देखो। ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, ये एक्स रेज टू पावर फोर क्या हो जाएगा, फोर मेरा आगे एक्स रेज टू पावर क्या बचेगा, फोर माइनस वन दैट इज थ्री प्लस। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर कॉस, अंदर क्या है फोर एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया फोर एक्स एज इट इज। अब मुझे इस 4x का भी डिफरेंशिएशन करना है, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा 4x का, यहाँ से सिर्फ इस क्वेश्चन से, बीच में प्लस का साइन है, इसका सॉल्व करने बैठा तो दैट इज योर कॉस रेज टू पावर 4x है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कॉस एक्स होल रेज टू पावर 4 है, ये पावर ऐसे ही कुछ की बने आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे बाहर पावर है, तो पावर को मैं लेके आया आगे, दैट इज योर कॉस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज योर 3। तो मेरे पास क्या बचा, मैंने इस पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, अंदर बचा ये, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बच गया मेरे पास। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं प्लस, अब टेंजेंट की पावर नहीं, एक्स एंगल की पावर है, तो सबसे बाहर क्या है टेंजेंट, तो टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है मेरा सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, थीटा मीन्स एक्स रेज टू पावर फोर मेरा है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा, टेंजेंट का हो चुका, अंदर बचा एक्स रेज टू पावर फोर, इसका डिफरेंशिएशन मेरा बच गया। ठीक है, फर्दर आगे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो फर्स्ट ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, मीन्स फोर एक्स रेज टू पावर थ्री एज इट इज प्लस, अब फोर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा फोर, तो इसको मैं लिख दिया आगे फोर इंटू कॉस 4x, जहाँ x बच्चा है वहाँ से डिफरेंशिएशन बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि आगे नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल डिफरेंशिएशन आ जाता है, मुझे पता है कि cos अगर x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, वी ऑल नो। ठीक है, तो नाउ अब इसका देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, तो बाकी चीज़ मैं इजीली लिखता हूँ, दैट इज योर प्लस 4 इंटू, इसको मैं लिखता हूँ cos क्यूब x इंटू, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x, तो इंटू माइनस प्लस। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर फोर इसका पहले ही हो चुका है। ठीक है, इंटू एक्स रेज टू पावर फोर का क्या होता है, दैट इज फोर एक्स क्यूब, हमने थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, तो जस्ट रीअरेंज कर दो इसको और आंसर, यू गेट योर आंसर। देखो सब में से फोर कॉमन आ रहा है, पहले तो मैं फोर अगर चाहूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं फोर को निकाल लेता हूँ सबसे बाहर। ठीक है, अगर मैंने फोर सबको बाहर निकाल लिया तो बाकी चीज़ें लिख दो, दैट इज योर एक्स क्यूब प्लस, फोर बाहर है तो कॉस फोर एक्स, यहाँ से फोर बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ बचेगा प्लस एक्स क्यूब इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर फोर, तो दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन से, कुछ नया नहीं करना मुझे। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप में, सेम टाइप है, तो मुझे गिवन है कि y इज इक्वल टू x टेंजेंट x, ठीक है, माइनस x स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x होल रेज टू पावर 5/2, होल रेज टू पावर 5/2, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, तो dy बाई डी x क्या हो जाएगा आपका, कि d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है यहाँ पे, ये पूरा इट मीन्स x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सिकेंट x एंड होल रेज टू पावर 5/2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पावर को आगे लेके आते हैं, तो 5/2 इन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसमें क्या होगा, सबसे बाहर पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, ये मेरा कैसे ट्रीट करेगा एज एन x, तो x मेरा एज इट इज लिख देता हूँ मैं, x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x प्लस सिकेंट। ठीक है, पावर क्या जाएगी 5/2 माइनस 1 इंटू, इसके इंटू में क्या होगा भैया, भाई अभी मैंने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया है तो मेरे अंदर क्या बचा, ये पूरा, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, तो मैं लिखूंगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस होल फंक्शन, मीन्स एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सिकेंट एक्स। ठीक है,
तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विज और बाकी सारा कुछ रहेगा एज इट इज़। तो 5/2 मेरा एज इट इज इन टू एक्स टेंजेंट एक्स मैंने एज इट इज लिखा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स एंड होल रेज़ टू पावर 5/2 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/2 मीन्स 1.5 इन टू। अब ये ध्यान रखना कि इसका डिफरेंशिएशन जब मैं कर रहा हूँ इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये मेरा ब्रैकेट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि dy by dx ऑफ प्लस माइनस अलग अलग कर सकते हैं x टेंजेंट x, क्या लिखूंगा x इंटू टेंजेंट x ठीक है माइनस ये क्या हो जाएगा dy by dx ऑफ x स्क्वायर साइन x ठीक है प्लस dy by dx ऑफ सेकेंड x। इस ब्रैकेट को मत भूल जाना, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि इनटू इसके साथ तो मल्टीप्लाई करते हैं बाकी को प्लस माइनस में लिख देते हैं, ये पूरा देखो मैंने जब डिफरेंसेस किया तो इस पावर का डिफरेंसेशन किया, इसके बाद जो जितना भी फंक्शन है उसका डिफरेंसेशन इस पूरे के डिफरेंसेशन के इनटू में आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को ठीक है। तो ये काम तो हो चुका है मेरा, तो इसको तो मैं एज इट इज नीचे लिखूंगा तो लेट भी आप लिख लेना इसको ठीक है, इसका डिफरेंसेशन करते हैं। अब मुझे आप बताइए कि एक्स टेंजेंट एक्स का डिफरेंसेशन क्या होता है ठीक है, एक्स टेंजेंट एक्स का क्या होगा ठीक। तो अभी याद आएगा सर ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन तो नहीं है, ये तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का क्या है प्रोडक्ट है, इट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में, ये तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में, ये तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या भाई कि अगर मुझे कोई फंक्शन मिलता है कि डी वाई डी एक्स ऑफ अगर मुझे यू इंटू वी निकालना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला था पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन समथिंग लाइक दैट ठीक है। तो चाहो तो आप पूरा फॉर्मूला लिख दो या फिर तो ये चीज़ तो एज इट इज आ जाएगी आप लिख सकते हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है। इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट मेरी एज इट इज रहेगी इसको मत भूल जाना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका काम खत्म, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, अगेन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो इस माइनस साइन को एज इट इज रहने दो ठीक है, इसका भी वही काम करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन ठीक है भाई। लास्ट सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन हम सभी को पता है क्या होता है कि दैट इज योर सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो इसका मैंने एज इट इज कर दिया ये ब्रैकेट क्लोज ठीक है ठीक। तो इसससे पहले जो भी सिस्टम था वो एज इट इज ही रहेगा मेरा, इसको एज इट इज लिख देना आप, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो x इंटू टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x मेरा एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 1 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, दैट मीन्स अगर मैं माइनस को पहले ले जाऊँ तो ये भी माइनस तो मेरा एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन होगा कॉस x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x माइनस का साइन एक्स मेरा एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस सीकेंट x टेंजेंट x ये मेरा एज इट इज ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो जस्ट अब मुझे क्या करना है इसको जस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेना है ठीक है। इट मीन्स देखो अब ये वाली टर्म तो मैं एज इट इज एक बार लिख देता हूँ कि मेरा क्या आएगा दैट इज योर 5/2 इंटू एक्स टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स होल रेज टू पावर 3/2 ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में मीन्स ये x इंटू सीकेंट स्क्वायर x मेरा सही है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा टेंजेंट x इंटू 1 दैट इज योर टेंजेंट x ठीक है, ये क्या है मेरा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x साइन x एंड प्लस सीकेंट x टेंजेंट x दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस ठीक है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी ठीक है भाई हो जाएगा दैट्स योर आंसर ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि यहाँ से टेंजेंट कॉमन ले लो ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन लिख के लिख दो, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत भी नहीं है ठीक है। तो दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, थोड़े लेंथी हो रहे हैं क्वेश्चंस लेकिन कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, इट मीन्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रूल ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट बी मैं लेता हूँ, मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर
इंटू साइन वन बाई एक्स, मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स, लेट बी वाई इज इक्वल टू दिस, सॉरी ठीक है, मुझे ये गिवन है। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये मेरा एज एन यू है, ये मेरा वी की तरह ट्रीट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे अगेन वी आर यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू वी क्या होता है भाई, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दो बस। तो मेरा एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वन बाई एक्स, ठीक है भाई, प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी साइन वन बाई एक्स एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा एक्स स्क्वायर का। तो नाउ जस्ट सॉल्व दिस यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है दैट इज योर कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, इस वन बाई एक्स को मैंने लिख दिया एज इट इज। अब क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा, साइन का कर दिया मैंने, वन बाई एक्स का बच गया, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है। प्लस साइन वन बाई एक्स मेरा एज इट इज, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है टू एक्स, तो एक्स की फॉर्म में आ जाए फाइनली आंसर, तो इट मीन्स आगे करने की जरूरत नहीं। देखो इसके आगे भी क्या होता है, अब मैंने इस पावर का कर दिया, मैं करूँगा एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन, तो उसको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज कॉस वन बाई एक्स भी एज इट इज इन टू वन बाई एक्स का डिफरेंसेस क्या होगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस वन बाई एक्स को मैं लिखता हूँ एक्स एज टू पावर माइनस वन, ये सुनो बिल्कुल, तो इसका मतलब एक्स एज टू पावर माइनस वन का क्या होगा, मेरा रूल लग जाएगा एक्स एज टू पावर एन का फॉर्मूला, यानी एन एन टू एक्स एज टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा, तो एन यानी माइनस वन मेरा आगे आगे, फिर बचा मेरा एक्स, एक्स एज टू पावर माइनस वन एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस टू एक्स को मैंने आगे लिख दिया दैट इज योर साइन वन बाई एक्स मेरा दैट इज। बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स एज टू पावर माइनस वन, माइनस वन क्या हो जाएगा एक्स एज टू पावर माइनस का टू, ये टोटल क्या होता है एक्स एज टू पावर माइनस टू, इसको ले आओ नीचे, ये माइनस का साइन मैंने लिख दिया एज इट इज, ऊपर क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वन बाई एक्स होल डिवाइड बाई, ये एक्स एज टू पावर माइनस टू नीचे जाएगा तो एक्स एज टू पावर टू हो जाएगा प्लस टू एक्स साइन वन बाई एक्स, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा दैट इज योर आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लेता हूँ मैं साइन एम रेज टू पावर, सॉरी साइन रेज टू पावर एम अल्फा एक्स इंटू कॉस एन रेज टू पावर बीटा एक्स, ये मुझे गिवन है एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो सेम एज इट इज, देखो फिर से मेरा प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये मेरा यू है ये मेरा वी है, प्रोडक्ट रूल आई थिंक हमें याद हो गया होगा कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लो, सेकेंड का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर क्या करना है प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रख लो, फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। इतना होने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरा एज इट इज रहेगा दैट इज योर साइन एम रेज टू पावर अल्फा एक्स इनटू, इसका देखो अब ये पावर एन क्या है, इस पावर एन को मैं ऐसे लिखूं या फिर होल रेज टू पावर एन, इसका मतलब ये है सेम एज इट इज, यहाँ पे साइन की पावर क्या है होल रेज टू पावर एन, तो सबसे बाहर क्या है ये पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये एन आगे आ जाएगा, जो फंक्शन बचा दैट इज योर कॉस बीटा एक्स होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा मेरा एन माइनस वन। अब देखो सिर्फ इस पावर का मैंने डिफरेंशिएशन किया, अंदर क्या बचा ये, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका अभी करना बाकी है, इस फंक्शन का मीन्स कॉस बीटा एक्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस कॉस रेज टू पावर एन बीटा एक्स मेरा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करना, पावर का करेंगे तो पावर आगे, जो फंक्शन बचा साइन अल्फा एक्स होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा एम माइनस वन, बाकी क्या बचा एन टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एन टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अब सिर्फ पावर का किया है मैंने, अंदर क्या है मेरे पास साइन अल्फा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है, ठीक है। तो फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या होगा, तो इससे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये इसका हो चुका है सारा काम, तो इस एन को मैंने सबसे आगे लिख दिया, ठीक है भाई। अब मेरे पास बचा साइन रेज टू पावर एम अल्फा एक्स, ठीक है, और इसको मैं क्या लिखता हूँ रेज टू पावर एन माइनस वन, इसको मैं लिखता हूँ कॉस रेज टू पावर एन माइनस वन इन टू बीटा एक्स, ये सुनो सॉरी नॉट इन टू बीटा एक्स, कॉस रेज टू कॉस बीटा एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, इसका मतलब ये कॉस बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो अब कॉस का डिफरेंस सबसे पहले बाहर, अब कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, एंगल मेरा बीटा एक्स,
किसका डिफ्रेंसिएशन बचा, बी टैक्स का। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, या फिर लिख दो एक स्टेप और कर लो, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बी टैक्स, कॉस का होने के बाद क्या बचा अंदर, बी टैक्स। ठीक है, बाकी क्या बचा मेरे पास, इसमें मैंने एम को आगे लिख दिया, कॉस रेज टू पावर एन बीटा एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया, पावर एम माइनस वन है तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन रेज टू पावर एम माइनस एन अल्फा एक्स। ठीक है, बाकी बचा मेरे पास ये पर, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन अल्फा एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस अल्फा एक्स मेरा एज इट इज, अंदर क्या बचा अल्फा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास किसका बचा अल्फा एक्स का। ठीक है, फॉर द सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, तो यहाँ तक तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है एज इट इज, तो इस माइनस को मैंने लिख दिया आगे, पहले तो माइनस को क्या लिखा आगे लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, साइन रेज टू पावर एम अल्फा एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर एन माइनस वन बीटा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स इंटू बी एक्स का डिफरेंशिएशन, बीटा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, इसका मतलब इस बीटा को मैं यहाँ आगे भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिखने की बजाय मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले फंक्शन का, मैंने देखा बाकी चीज़ों से कोई इतराज़ नहीं है, तो एम मेरा एज इट इज रहा, कॉस रेज टू पावर एन बीटा एक्स ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर एम माइनस वन अल्फा एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर अल्फा एक्स डी वाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अल्फा, इस अल्फा को लिख दो आगे। ठीक है, एक्स का क्या डिफरेंशिएशन हो गया दैट इज वन। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस, आई थिंक सिंपल। तो अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन रूल से। ठीक है, तो लेट मी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे गिवन है साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मुझे गिवन है एंड नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो सेम एज इट इज देखो क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे। ओके, इट मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन मीन्स साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो अब ये कौन सा रूल है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमेटर, मैंने कैसे याद करने के लिए बोला था कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एन बाय डी का कैसे करते हैं हम, सबसे पहला काम नीचे डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, पहले ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा दो बस, तो लगाओगे तो क्या मिलेगा, अब सबसे पहले तो आपने बोला कि नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, नीचे वाला एज इट इज यानी वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मेरा एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस, अब ऊपर वाला मीन्स न्यूमिनेटर एज इट इज, तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका आएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन रूल था वो अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मेरा एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन देखो, अब दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स मीन्स इसका मतलब है साइन एक्स होल स्क्वायर, तो सबसे पहले तो इस पावर का होगा, तो पावर मतलब टू आगे आ जाएगी, साइन बचेगा एक्स और होल इस बार टू माइनस वन दैट इज़ वन, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो इसका अलग होगा इसका अलग होगा, तो वन का डिफरेंशिएशन वी ऑल न्यू दैट दिस इज जीरो, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर टू अगेन है तो दिस बिकम योर टू कॉस एक्स की पावर टू माइनस वन दैट इज वन, एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा सिर्फ पावर का हुआ है अंदर बचा कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अलग से। ठीक है, और नीचे मेरा एज इट इज जो भी था वो एज इट इज ही रहेगा दैट इज योर वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स हम चीज़ें वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, द डिफरेंस इज कि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं उनको लिखता हूँ मैं एज इट इज, दिस इज योर टू साइन एक्स को मैंने आगे लिख दिया सर। ठीक है, टू साइन एक्स को मैंने क्या लिख दिया आगे लिख दिया, और यहाँ बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सॉरी दिस इज वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नॉट माइनस, सॉरी गलती से लिखा गया हमसे, तो दैट इज योर वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
एन टू। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज योर कॉस एक्स, तो मैंने इसका लिख दिया, इसका काम खत्म। माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरा है, दैट इज नो प्रॉब्लम। जीरो प्लस समथिंग दैट इज समथिंग, जो बचा है वही है, तो यहाँ क्या बचेगा, दैट इज टू कॉस एक्स इन टू, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इस माइनस को अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, दैट बिकम प्लस साइन एक्स। ठीक है भाई, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड होल डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर टू मेरा एज इट इज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक नहीं है, तो बस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालो, ठीक है, बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि टू साइन एक्स कॉस एक्स में बाहर निकाल सकता हूँ, टू साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ से भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने निकाल लिया टू साइन एक्स कॉस एक्स बाहर निकाल लिया, टू साइन एक्स कॉस एक्स में क्या किया मैंने, बाहर निकाला। तो जब ये मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा मेरे पास वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बचा, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये बाहर आ चुका है, ये बचा मेरे पास, यहाँ से ये बाहर आ चुका है, मेरे पास बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या बचा, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर टू, कॉस एक्स रेज टू पावर क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हम टेंथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या होता है मेरा, दैट इज़ योर वन, क्या होता है मेरा, ये वन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा वन, एंड वन प्लस वन इज टू, तो ये हो गया टू, तो मेरे पास टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है साइन टू एक्स की, साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, यहाँ से वन प्लस वन टू जो आया इसको मैंने लिख दिया आगे, होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या बचा, वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर टू, तो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना हो सके सिंप्लीफाई करो उसको, देन यू गेट योर आंसर, सिंपल है। ठीक, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं, फिर लेक्चर ओवर करेंगे, और अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं और बाद में जो बचा है उसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको अगर मैं पहले ही सिंप्लीफाई कर लूँ तो उनका डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन से फिर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखता हूँ मैं, लेट बी मैं ले लेता हूँ कि y इज इक्वल टू, मुझे गिवन है टू टेंजेंट x होल डिवाइड बाय टेंजेंट x प्लस cos x होल रेज टू पावर क्या है मेरे पास टू। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि इसको मैं u मान लेता हूँ, फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लेते हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन हो तो आप लेट करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हो रहे हैं तो उनमें ज़्यादा लेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ें जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं इसमें वही काम कर लेता हूँ कि लेट यू इज इक्वल टू, मैंने मान लिया टू टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फिर यू मेरा ये है तो वाई क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू यू, ये पूरा यू एंड होल स्क्वायर इज देयर, तो यहाँ से मैं क्या निकालूँ पहले डी वाई बाई डी यू निकालो, डी वाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर क्या होगा भाई, टू यू, यू रेस्ट बाई टू माइनस माइनस यू, इट मीन दिस इज योर टू यू। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे यू की वैल्यू डायरेक्टली पूछ सकते हो, टू इन टू यू की वैल्यू क्या है मेरी, दैट इज दिस, इट मीन दिस इज टू टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मैंने पहले ही क्यों कर दी, क्योंकि आपको बाद में भी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, टू टू जहाँ फोर टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाई मेरे पास में था टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज योर डी यू बाई डी वाई बाई डी यू। नाउ वी हैव टू फाइंड, इसका काम हो चुका है, अब बचा ये वाला, यानी यहाँ से यू बाई एक्स डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, जो फंक्शन है मेरा यू, मैंने क्या लिया टू टेंजेंट एक्स, टू टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स प्लस कॉस। ठीक है, नाउ अप्लाइंग द क्वेश्चन रूल, अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो पहले, तो टेंजेंट x प्लस कॉस x का हो जाएगा होल स्क्वायर, टेंजेंट x प्लस कॉट x क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, और बाकी को क्या करोगे,
नीचे वाली टर्म्स मेरी एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ऊपर क्या है मेरे पास, टू टेंजेंट एक्स, ठीक है, फिर क्या होता है माइनस, अब ऊपर वाली एज इट इज मीन्स टू टेंजेंट एक्स मेरा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाले टर्म दैट इज योर टेंजेंट एक्स, सॉरी टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अब तो आई थिंक बहुत सिंपल बच गया, ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरा टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स मेरा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ टू, तो टू तो आ जाएगा बाहर, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, टेंजेंट एक्स का डिफरेंसेस होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट का क्या डिफरेंसेशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है मेरा, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, माइनस टू टेंजेंट एक्स मेरा एज इट इज, टेंजेंट एक्स का डिफरेंसेशन अगेन दिस इज योर सीकेंट स्क्वायर एक्स, एम प्लस कॉस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, सॉरी क्या होता है माइनस का साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, क्या है मेरे पास टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। आप ऊपर से देखो अगर कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस बिकम योर टू टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसके से करोगे बन जाएगा टू कॉस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, इसको अंदर लेके जाते तो ये हो जाएगा माइनस का टू टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, इसको इससे लगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, एंड दिस बिकम योर टू टेंजेंट एक्स साइन एक्स, ठीक है, होल डिवाइड बाय जो मेरा था एज इट इज मीन्स दैट इज योर टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ये पूरी टर्म मेरी हो जाएगी कैंसिल आउट, जो बाकी बचा उसमें देखो कुछ को मैंने सिर्फ टू को बाहर निकाल सकते हो, बाकी जो बचा उसमें क्या कर सकते हो टू को बाहर निकाल के लिख सकते हो, ये काम कर सकते हो, तो लेट बी मैंने इस टू को बाहर लिख दिया और अंदर क्या बचा मेरे पास दैट इज योर कॉस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस टू टेन सॉरी टू मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बचेगा टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है भाई, होल डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स होल रेज्ड पावर टू एच, ये क्या है मेरा दैट इज योर डी यू बाई डी एक्स, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक बार मैं इसको ऐसे रख लूँ डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा डी वाई बाय डी एक्स मेरा, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स मेरा इक्वल होगा सॉरी डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू डिवाइड बाय डी एक्स, तो पहले मैं डी वाई बाय डी एक्स देखता हूँ, मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले मेरा डी वाई बाय डी एक्स निकला था ये, इट इज़ फोर टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाई टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स, फोर टेंजेंट एक्स होल डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स इन टू, और मैंने डी यू बाई डी एक्स क्या निकाला अभी अभी मैंने निकाला दैट इज योर टू इन टू कॉस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब देखो नीचे वाला तो टर्म मेरा हो जाएगा ये और ये टर्म सेम है, यहाँ पावर टू है यहाँ पावर वन है तो ऐड हो जाएगा मीन्स टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, ऊपर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सॉरी नीचे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ऊपर देख लेते हैं, फोर टू जा एट, एट इंटू मेरे पास बचेगा टेंजेंट एक्स इंटू कॉस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो ऊपर वाले टर्म्स को, ठीक है, क्या कर सकते हो आप इसको फिर से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कैसे देखो, तो एट टेंजेंट एक्स को मैं एज इट इज रखता हूँ, इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, जो टेंथ स्टैंडर्ड में हम करते थे कि सबसे सिंपल तरीका यही है, इसको मैं लिखता हूँ वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज योर साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, इस कॉस एक्स से ये पावर कैंसिल आउट, जो बाकी जो बचा उसको देख लो, ये मेरा नीचे वाला टर्म एज इट इज लिखने भाई ऊपर वाला करवा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको टेंजेंट एक्स, ठीक है, यहाँ भी कॉस एक्स यहाँ भी कॉस एक्स, तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का आएगा कॉस एक्स, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा एलसीएम सेम है तो डायरेक्टली वन प्लस साइन इंटू साइन दैट इज योर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है,
इस कॉस को बाहर ले जाता हूँ और ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ए टेंजेंट एक्स 1 बाई कॉस क्या होता है, दैट इज योर सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट एक्स सॉरी, इन टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास क्या था, जो था एज इट इज, इट मीन दैट इज योर टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबिलिटीज हो सिंप्लीफिकेशन कर दो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन थे कुछ डिफरेंशिएशन के। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन जो हमें गिवन होते थे, ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी लगाया, प्रोडक्ट रूल भी लगाया, कंपोजिट फंक्शंस को डायरेक्टली सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन बाय डेरिवेटिव बाय सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो आप। ठीक है, कि पहले जो फंक्शंस गिवन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आसान बना देंगे, और देन हम उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।